मसीह सलाम। आमीन। आज का जो हमारा स्क्रिप्चर रीडिंग है वो है प्रोवर्ब्स उसका 16 बाब, प्रोवर्ब 16 वर्स 32, मिसाल 16 बाब उसकी 32वीं आयत। तो पहले मैं उर्दू में पढ़ूंगा, मिसाल उसका 16 बाब 32वीं आयत। जो कैद करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपने रूह पर जाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। आमीन। And now I will read in English. Proverbs chapter 16 verse 32. Better a patient man than a warrior, a man who controls his temper than one who takes a city. Amen. खुदा के इस जिंदा बख्श कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे। Amen. So today my title is Ask the Lord for patience. हमें मसीह से सबर मांगने की जरूरत है। Amen. सबर इसलिए कि जब हमें गुस्सा आता है, we need to ask patience from God, because when we are angry or in an anger mood, we take wrong decisions. जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें कुछ भी समझ या कुछ भी पता नहीं लगता, और हम कुछ ऐसा गलत कर देते हैं जो बाद में हम पछताते हैं। Because in anger, we do something wrong to us or something wrong to another person. So later, we feel guilty. Why I done this? I should not do something to that person or something to myself. Amen? Like Cain, in the book of Genesis, पैदाइश की किताब में, जो केन है वो जब गुस्से में था, जब उसे गुस्सा आया, जब उसने खुदा के आगे अपनी ऑफरिंग रखी और खुदा ने जब उसको बोला कि तेरे भाई ने जो ऑफरिंग है वो मुझे कबूल है, मगर जो तूने मुझे दी है वो मुझे कबूल नहीं है। आमीन। If you see in the book of Genesis, when Cain offers his offering to God, but God loved the offering of Abel, and Cain was very angry. He was very mad on his brother, and in that anger, what he did? He killed his own brother. See? उसने अपने भाई को मार दिया क्योंकि उसने गुस्सा था। So we need to ask patience from God. Because when we ask patience, God delivers us from our anger. जब हम खुदा से हिम्मत, ताकत, पेशेंस मांगते हैं और खुदा हमें उसे कंट्रोल या उसके आगे जाने की हिम्मत देता है। आमीन। As we see, sometimes we face difficult situations in our life. कुछ time ऐसा आता है कि हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मगर उसे सामना करने से पहले हमें खुदा से सबर मांगने की जरूरत है। Amen? Because when we are bringing our concern to the Lord, again and again, we grow tired. सही बात है। जब हमें भी परेशानी होती है, हम खुदा के पास बार बार जाते हैं, दुआ करते हैं, जाते हैं, दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, और जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हम क्या होते हैं? हम थक जाते हैं। सही? When we go to God, humble ourselves and pray, continually pray, and our prayers not heard or not listened by God, we become tired.
Amen. We think. Amen. Amen. We think that maybe God doesn't love me. Oh, God don't like my prayer. Am I right? Yeah. So we need to have patience in ourselves. If we have patience, God answers our prayer. Because God wants to check our patience. खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है मगर टाइम लेता है क्यों खुदा हमारा सबर देखना चाहता है कि हमने कितना सबर है हम कितना सबर कर सकते हैं आमीन तो हमें अपने आप में सबर रखने की जरूरत है आमीन लाइक इट सेज आस्क द लॉर्ड फॉर पेशेंस राइट Proverbs 16 verse 32, it says, Better a patient man than a warrior, a man who controls his temper than one who takes a city. कि वो इंसान बेहतर है जो अपने पेशेंस पर काबू रखता है हमें जैसे मैंने कहा कि केवल एक केन ने क्या किया जब उसे गुस्सा आया उसने अपने भाई को मार दिया राइट व्हेन केन गेट एंग्री व्हाट ही डिड ही किल हिज ब्रदर ही डिडंट थिंक एनी अदर थिंग ही डिडंट थॉट ओह इफ आई विल प्रे टू गॉड ही विल गिव मी पावर टू थिंक पॉजिटिव थिंग्स आमेन सो वी आल्सो नीड टू प्रे टू गॉड आस्क द पॉजिटिव आंसर्स Amen. Yeah. Don't always think negative. हर बार अपने दिमाग में नेगेटिव चीजों को लाने की जरूरत नहीं है हमें जब हम नेगेटिव ही सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही हमारे दरमियान घूमेगी क्यों क्योंकि हमारा दिमाग हमारा दिल वो ही बातें दोहराता है जो हम सोचते रहते हैं और जब हम एक दफा उस चीजों को खुदा के कदमों में रखेंगे टाइम लगेगा मगर वो चीज पूरी हो जाएगी सो वी नीड टू हैव पेशेंस इट्स टेक टाइम बट वन डे इट विल बी डन बाय द विल ऑफ गॉड आमेन क्योंकि खुदा की जो मर्जी है हमारी इस दुनिया में हमारे लिए वो जरूर पूरी होगी आमेन Because we must not forget, even for a moment, the power of healing that resides in prayer. कि हमें इस बात को नहीं भूलना कि जब हम दुआ करते हैं हम शिफा भी पाते हैं जब हम दुआ करते हैं हमारी दुआएं सुनी भी जाती हैं मगर कई दुआएं टाइम लेती हैं कि हमारे सबर को चेक करने के लिए आमीन Sometimes we pray for healing. Sometimes we pray for our different situations. Sometimes God's answer quickly, but sometimes it takes time. And God's check how patience we have in ourselves. कि खुदा हमें देखता है कि हमें कितनी बर्दाश्त है, हमें कितना कंट्रोल है, हम कितना सबर कर सकते हैं. Amen. और जब हम सबर करना सीख जाते हैं तो खुदा की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है दूसरी जो चीज है अगर कोई इंसान या कोई हमारा भाई बहन दोस्त या ऑफिस या जहां पे फैक्ट्री में काम करते हैं वो हमसे लड़ते हैं या कोई भी बात में झगड़ा हो जाता है तो हमें एकदम से गर्म दिमाग होने की जरूरत नहीं है हमें When we have someone like brother, sister, or husband, wife, or we working in a factory or in an office, and sometimes there is an argument between our employer or brother or sister, so we do not return offense. कि हमें उल्टा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. Amen. If so, we could have Ephesians chapter 4. Verses 26 to 27. Be angry, but do not sin.
Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Amen. कि अपने गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो, अपने गुस्से में सूरज को डूबने ना दो. Amen. जब हम अपने गुस्से में उस सूरज को डूबने देते हैं तो शैतान घर बना लेता है. Amen. When we get angry and we don't solve the situation on that time or the problem, the devil takes that opportunity. He tried to make some misunderstanding so that the people will be argument, be offensive, say bad words, fighting. So we need to do not return our grace. Amen. And trusting our spirit in prayer will not be enough when faced with a situation where someone offends us. Amen. कि हम अपनी दुआ में अगर हम बैठते हैं, दुआ करते हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी आती है कि हमें गुस्सा आता है, हम गुस्सा करें, गुस्से का मतलब ये है गुस्सा करें, मगर अपने जुबान से गलत अल्फाज, गलत चीजें या गाली या कोई ऐसी बात ना कहें कि जो दूसरे को हर्ट कर जाए. When we angry, we need to look or we need to think what I am saying to him or what I am saying to her. Right? We should see and think before we speak. Because sometimes our words can hurt someone, right? And we need to control our emotions. Because there are some situations that we become so much emotional that we really want to punch a person who tried talk negative about me or about yourself, right? So we need to do not return offense. Amen? That is why it is important to remember that we should not respond to an offensive with aggressiveness. Amen? It's common knowledge that a problem could be fixed or could be added. कि हमें चाहिए कि हमें अपने जज्बातों पर, अपनी जुबान पर, अपने ख्याल पर कंट्रोल करने की जरूरत है. We need to think and control our mind, our heart before we offend or before the person will offend to us. First, we need to humble ourselves. Because when we are also get angry, the situation will not be solved. अगर हम किसी बात पर कोई झगड़ा या कोई बात हो रही है, हमें पहले सुनना है. क्योंकि कई दफा ऐसा होता है वो बात सुलझने के बजाय वो और उलझ जाती है. Amen? Amen. तो हमें उस मसले को पहले देखना है कि मसला क्या है, क्या बात है, बेहतर उस मसले को सुलझाने की जरूरत है ताकि वो मसला ज्यादा परेशान ना करे, ताकि वो मसला सॉल्व हो जाए. Amen? So that we need to fix the problem before we offense. Amen? We need to think so that it will be not added a problem, but it may be fixed. Amen? Amen. And the third is pray before reacting. पहले दुआ करें कुछ करने से पहले. Amen? Amen. मिसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 29 आयत. He who is slow to anger has greater understanding, but he
who has a hasty temper, exalt fully. Amen? As a difficult as a concept may seem to us, it's extremely important to say a small prayer in any moment when a first impulse to respond with another offense. Amen? Amen. What? Excuse me. कुछ करने से पहले या कुछ बोलने से पहले हमें अपने दिल में एक छोटी सी दुआ करने की जरूरत है, ताकि जब अगला बंदा हमें कुछ बोले उसको हम पहले समझे, हमें समझ आए कि हम अब इसको कैसे जवाब दें ताकि मसला भी सॉल्व हो जाए और लड़ाई भी ना हमारी बने। आमीन। When a person is offending, we need to first pray. We need to It's not mean we will say to him, oh, just keep quiet, I will just pray. No, we need to pray in our heart that God guides me, that the Holy Spirit give me wisdom and knowledge to control this situation, to solve this matter. Amen? Because when you pray to God with all our heart, He listens to us. He gives the answers to our all problems. Amen? Amen? He will give the answer how we can react, how we can make him cool down. We can say to our brother or sister or friend, first please cool down. We will sit and we will talk. Don't be so offensive. Right? हमें चाहिए कि हम जिससे हमारी कोई offense हो जाए या गुस्से हो गए उन्हें हमें पहले बोले कि भाई या बहन या दोस्त आए बैठे पहले बैठ कर बात करें, मसला क्या है, क्यों ऐसे हुआ है, क्यों गुस्सा हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो। आमीन। 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 सो वी नीड टू आस्क पेशेंस। आमीन। हमें खुदा से सबर मांगने की जरूरत है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी नो We don't have enough power to control our emotions. इंसान होते हुए हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें. Amen? So we need to ask from our Heavenly Father, Father, give me the spirit of patience. Amen? Amen. When patience comes in our life, the doors of blessing will be open. Amen? Amen. Because without controlling our emotion, we cannot get success also. As I say, we work in an office or in a factory or some other places. There are some arguments come, you say something bad, they will something bad. Says to you, and you will lose your job. What was the matter? The matter may be money, the matter may be the work problem, the matter may be they want you to have overtime, but you will say, oh, why I will do, why? Don't always use why, because why makes problem, why makes trouble. जैसे कि हम फैक्ट्री में या ऑफिस में या कहीं भी काम करते हैं तो कई दफा आर्गुमेंट हो जाती है, हम ऑफेंसिव भी हो जाते हैं, कभी वो भी ऑफेंसिव हो जाते हैं। हाँ भाई आर्गुमेंट ओवरटाइम करना है और आप सोचते हो मैं तो आगे थका हूँ, मैं क्यों करूंगा, हाँ भाई तू लेट क्यों आया है, हाँ भाई तुमने ये काम क्यों नहीं दिया। गुस्सा चढ़ता है इंसान को, मगर हमें उस गुस्से को कंट्रोल करना। Amen? अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे हम अपने काम से भी जाएंगे। Amen? Because anger only can make problems in our life. It can only bring troubles in our life. Amen? क्योंकि जो गुस्सा है वो हमारी जिंदगी में परेशानियां लाने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें सबर की जरूरत है कि खुदा हमें सबर दे हर एक सिचुएशन को, हर एक मसले को सोल्व करें।
Amen? Amen. And we need to try to understand those who offend us. कि जो हमें ऑफेंड करते हैं हमें उन्हें भी समझने की जरूरत है. Amen? After praying for those who attack us, try to understand them. Right? जब वो हमसे कोई बात या कोई गलत तरीके से बोलते हैं या कुछ करते हैं या कोई बात कहते हैं गुस्सा होते हैं हमें उसे भी समझने की जरूरत है. हाँ ये बंदा मुझे ऐसा क्यों कह रहा है हमें वो भी देखना है. We also try to know why, why, right? कि वो क्यों ऐसा मुझे कहता है मैंने क्या किया. हमें अपने आप को भी देखना है कि मेरी तो गलती है. हमें अपनी गलती को देखने की भी जरूरत है. Amen? Amen. There is only a way you will be able to understand what it was that lead them to commit the offense. जब हम उनकी सिचुएशन को समझेंगे उनकी बात को समझेंगे फिर हमें भी समझ आएगी हाँ भाई ये बता क्यों ऑफेंस कर रहा है. राइट तो हमें अपना ऑफेंस करने से पहले उनके ऑफेंस को समझने की जरूरत है. हमें इसलिए हमें पेशेंस लाजमी होने की जरूरत है. जब हमें पेशेंस होगी तो हम दूसरे बंदे की बात को भी सुनेंगे. अगर हमें गुस्सा ही होगा तो गुस्से का क्या है लड़ाई होती है और कुछ नहीं होगा. आमेन. सो वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड टू देम हु ऑफेंसेस. राइट. आमेन. एंड अनदर इज लव हाउएवर हूएवर ऑफेंस यू. जो भी आपको ऑफेंस करता है उसे प्यार करें. आमेन. इन Proverbs chapter 21 verses 9. It is better to live in a corner of the housetop than in a house shared with a contentious woman. Amen. Sometimes it's come more very difficult situations or difficult concepts. Comes in our life to understand, right? कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जिन्हें समझने के लिए टाइम लगता है. हमें कई दफा वो मसले उलझे होते हैं उसे सुलझाने में टाइम लगता है. तो हर चीज को सुलझाने के लिए हमें प्यार की जरूरत है. हमें किसकी जरूरत है हमें प्यार की जरूरत है. हमें वी नीड टू लव हूएवर ऑफेंसेस. हमें बिकॉज लव कैन चेंज एवरीथिंग. आमेन. बिकॉज विदाउट लव लाइफ इज नथिंग. प्यार के बगैर कुछ भी नहीं. गुस्सा है हम अकेले हैं. प्यार है तो हमारे साथ कोई है. आमेन. क्योंकि जब हम गुस्से में रहते हैं कोई भी नहीं पसंद करेगा हमसे बात करना. राइट. कोई भी नहीं पसंद करेगा हमारे साथ रहना. जब हम प्यार करेंगे राइट जब हम प्यार करेंगे हमारे दोस्त हमारे साथ रहेंगे हम उनसे बातें कर सकते हैं. आमेन. तो दैट्स व्हाई लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें हमारी जिंदगी में प्यार की जरूरत है. और मसीह इसी प्यार की खातिर इस दुनिया में आए. हमें आकर अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया. हमें तो हमें भी एक दूसरे से प्यार करने की जरूरत है. लड़ने की जरूरत नहीं है गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बल्कि प्यार करने. जब हम प्यार करेंगे खुदा हमारा खुश होगा. क्योंकि खुदा ने क्या कहा है एक दूसरे से प्यार करो एक दूसरे से मोहब्बत करो. हमें लॉर्ड जीसस हैज सेड टू अस दैट लव ईच अदर. राइट. लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ. वी नीड टू लव
Hallelujah. Hallelujah. And another is turn the anger into love. अपने गुस्से को प्यार में तब्दील करो. Amen. In Psalms chapter 37 verse 8, refrain from anger and forsake wrath. Fear not yourself, it tends only to evil. हमें कि हमें अपने गुस्से को छोड़ने की जरूरत है, उसे पीछे एक साइड रखने की जरूरत है. हमें इन द सेम वे दैट गॉड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड माय लाइफ इन एवरी वे यू कैन इमेजिन, राइट? कि खुदा ने मेरी जिंदगी को और आपकी जिंदगी को एक ट्रांसफॉर्म किया है. कैसे? ध्यान से. आमीन. हमारी जिंदगी जो ट्रांसफॉर्म हुई है वो मसीह के प्यार से हुई है. आमीन. आवर लव इज ट्रांसफॉर्म बाय गॉड्स लव. आमीन. गॉड इज द ओनली वन हु गिव पेशेंस, राइट? एंड वी नीड टू प्रे एंड आस्क पेशेंस फ्रॉम गॉड. आमीन. एंड वी नीड टू रिमेंबर दैट वी must change our anger into love. और हमें अपने गुस्से को प्यार में बदलने की जरूरत है. आमीन. क्योंकि जब प्यार है वहां लड़ाई नहीं है. आमीन. 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 और हमें नेगेटिव चीजों को या नेगेटिव फीलिंग को अपने दिल में या अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं. वी शुड नॉट ब्रिंग नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड और इन आवर हार्ट. आमीन. वी नीड थिंक अबाउट लव. वी नीड टू लव आवर एनिमी. इफ वी विल लव आवर एनिमी, वी लव आवर ब्रदर. इफ वी से वी लव, आई लव माय ब्रदर, एंड हाउ you can hate your enemy? If you truly love, then you will love your enemy first. Amen. क्योंकि जब हम अपने दुश्मन से प्यार करते हैं तो वो दुश्मनी खत्म हो जाती है. Amen. तो मसीह ने भी यही किया. Amen. तो हमें एक दूसरे से प्यार करने की जरूरत है, जैसे मसीह ने हमसे प्यार किया है. Amen. 1 Corinthians chapter 13 verse 2. If I have the gift of prophecy and understanding all mysteries and have all the knowledge, and if I have faith that manage to move mountains, but I lack love, I am nothing. Amen. As Apostle Paul said, if I have all gifts to prophesy, to speak in tongues, or I have faith that moves a mountain, and I have no love, I am nothing. Paulus usko kya kehta hai? Agar mere paas nubuwatein karne ki tohfa hai, ya zuban, gair zuban bolne ka tohfa hai, mere paas itna imaan hai, वो ईमान से मैं पहाड़ को बोलूं, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, और मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं. सो वी नीड लव इन आवर लाइफ. आमीन. लव बिकॉज लव इज द आंसर टू एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग फ्लड इट विद हीलिंग फोर्स. आमीन. Strengthen our faith by exercising the moment, the amount of love we have. And with everything that involves being called worthy child of God, because he said, we love each other. Amen. खुदा ने क्या बोला है? एक दूसरे से प्यार करो.
और जब हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह के बेटे बेटियां कहलाए जाते हैं। आमेन। वी नीड टू लव ईच अदर, वी नीड टू आस्क पेशेंस फ्रॉम गॉड, गॉड गिव मी पेशेंस टू हैंडल द सिचुएशंस, गिव मी पेशेंस टू कंट्रोल माय एंगर। आमेन। वी नीड टू आस्क from God. Hallelujah. Amen. Amen. So this was the word for today, that we need to ask patience from God. कि हमें खुदा से सबर मांगने की जरूरत है। Amen. आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। Let us bow down our head and close our eyes and let us pray. A most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for your mercy and for your grace, Lord, that you have given to us. And Father God, thank you for your words that you have given us, Lord Father God. And continue, Lord, protect us, guide us, and give us more wisdom and knowledge, Lord, to understand your word, Lord. And we pray, Lord Father God, for patience. Let the Spirit of patience come in our life, so that there will be no place for anger. There will be only love in our life. हम ऐसा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त इस टाइम के लिए जो आपने हमें बख्शा है, कि हमने आपके पाक कलाम से सुना है, और दुआ करते हैं यीशु बाप अपने रूह कुदस का मसरा पा करें यीशु बाप हमें अकल और दनाई दें यीशु बाप, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके कलाम को समझने वाले बन सके यीशु बाप, और हमें सबर की रूह अनायत कर यीशु बाप, ताकि कोई भी गुस्सा या गिला हमारी जिंदगी में घर ना कर पाए यीशु बाप, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हो हमारी जिंदगी। ये सब कुछ मांगते हैं दिस ऑल आई आस्क इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन।